आज ऑसिलेशन का हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक को शुरू करेंगे वो हमारे पिछले टॉपिक के साथ ही जुड़ा हुआ है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने खती हटाओ, खती रफ्तार और खती इसरा, इन तीन लोगों के अलग अलग जो फॉर्मूले हम लोगों ने देखा था, आइए एक नज़र हम उन पर वापस डालते हैं। हटाओ का फॉर्मूला हम लोगों को मिला था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। लीनियर वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला हमको मिला था ओमेगा इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। और उसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन जो है इसरा के लिए हमको जो फॉर्मूला मिला था वो था माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये जो तीन अलग अलग जो फॉर्मूले हैं, इन तीन फॉर्मूलों में रफ्तार और इसरा को हम अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, मतलब हम उनको साइन और कॉस ये फॉर्मेट के अलावा भी उनको अलग तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब ये जो वेलोसिटी है हम इसको लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है हम लोग इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर ये लीनियर वेलोसिटी मतलब खती रफ्तार और लीनियर एक्सेलरेशन यानी खती इसरा, इनके लिए ये दो फॉर्मूले भी हमारे पास हैं। ये इतना पार्ट हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में जो लास्ट मतलब लेक्चर में हम लोगों ने इसको देखा था। आज हम लोग सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यूज की बात करेंगे। मतलब हमको ये देखना है कि जब कोई ज़रा खती एसएचएम करता है उस वक्त खती हटाओ, खती रफ्तार और खती इसरा, इनकी लिमिटिंग वैल्यूज क्या होती है। लिमिटिंग वैल्यूज का मतलब होता है उनकी हदूदी कीमतें। मतलब हम ये देखेंगे कि उनकी लोअर लिमिट यानी कम से कम कीमत और अपर लिमिट यानी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत क्या होती है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा पहले जो खती एसएचएम का एक जो तरतीबी खाका जो हम लोग देखते हैं, एक बार हम पहले उस तरतीबी खाके को यहाँ पर बना लेते हैं। हम यहाँ इमेजिन ये करेंगे कि मान लो ये इतना बड़ा एक खत है ए से लेकर बी तक, और यहाँ पर इस मकाम ये उसका औसत मकाम है। तो यहाँ ये अगर औसत मकाम है यानी इसको हम लोग बोलेंगे मीन पोजिशन, ये हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और ये हमारा निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। एक जर्रा जो है वो ए से लेकर बी तक और बी से लेकर ए तक जो है वो बार बार अपनी हरकत को रिपीट कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं एक्स के बारे में, मतलब खती हटाओ के बारे में। खती हटाओ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ सवाल ये आएगा कि हम लोग सबसे पहले हटाओ जो है उसकी कम से कम कीमत जो है वो क्या लेंगे। तो कम से कम कीमत लेने के लिए हम लोगों को सबसे पहले टाइम बराबर जीरो लेना पड़ेगा। हम ये फर्ज करेंगे कि वक्त जो है वो जीरो है, साथ ही साथ हम लोग जो फाई है हैयत का मुस्तकिल जो है हम लोग इसको भी जीरो लेंगे। तो अगर हमने टाइम को जीरो लिया और फाई को भी जीरो ले लिया तो फिर हमको एक्स की वैल्यू मिलेगी ए साइन ओमेगा इंटू टी यानी जीरो प्लस जीरो, मतलब टोटल मिला के जीरो हो जाएगा। आपको पता है साइन जीरो की कीमत जीरो होती है, इसका मतलब जीरो मल्टीप्लाइड बाय तो आंसर आ जाएगा जीरो। तो इस तरह से एक्स बराबर जीरो आ जाएगा, ये एक्स की मिनिमम कीमत है। यानी जब जर्रा औसत मकाम पर होगा तो उसके हटाव की कीमत जीरो होगी, मतलब यहाँ पर इस मकाम पर एक्स जो है वो जीरो होता है और ये उसकी मिनिमम कीमत है। ओके, अब हम लोग एक्स की मैक्सिमम कीमत के बारे में बात करेंगे कि एक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। तो आप लोग देखिए, जब जर्रा हरकत करते हुए इस मकाम पर होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, तो हम लोग फाई की कीमत पाई बाय टू ले सकते हैं, मतलब 90 डिग्री। अगर हमने फाई की कीमत 90 लिया तो ये आ जाएगा एक्स बराबर ए साइन ओमेगा के साथ में टाइम को जीरो लेना है। अगर आपने इसको जीरो ले लिया तो ये जीरो हो जाएगा और इस तरह से फाई की कीमत आ जाएगी पाई बाय टू। साइन पाई बाय टू वन होता है, इसका मतलब ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए।
तो जब वो जर्रा इस मकाम पर होगा तो यहां पर एक्स की मैक्सिमम जो कीमत है वो हो जाएगी ए, मतलब हम उसको प्लस ए लिखेंगे। इसी लिहाज से या इसी मुनासिबत से अगर हम यहां की कीमत लिखेंगे तो वो भी कीमत ए आएगी, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव साइड में है इसलिए हम लोग उसको माइनस ए लिख सकते हैं। मतलब इस मकाम पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक्स की मैक्सिमम जो कीमत है वो माइनस ए। एक्चुअली वो माइनस और प्लस जो है वो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से है। तो इस तरह से हटाव के लिए हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यूज जो मिली वो मिली मिनिमम कीमत एक्स की जीरो और मैक्सिमम कीमत प्लस ए पॉजिटिव एंड पर और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए नेगेटिव एंड पर। ये था हमारा पहला हटाव की लिमिटिंग वैल्यूज। अब हम लोग रफ्तार के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर रफ्तार का फॉर्मूला हमने प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर इसको लिया तो इस फॉर्मूले पर से हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले औसत मकाम पर अगर लेना है तो एक्स बराबर जीरो लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर एक्स बराबर जीरो लेंगे यह आ जाएगा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जीरो, जीरो स्क्वायर और जीरो स्क्वायर में जीरो। तो इस तरीके से ये वाला जो नंबर है ये गायब हो जाता है यहां से, ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर और इस तरह से ये आ जाएगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए। इसका मतलब ये हुआ कि खती रफ्तार जो है उसकी आजम कीमतें दो, उसकी आजम जो कीमतें हैं वो होगी ओमेगा इंटू ए। आजम कीमत प्लस उस वक्त लेंगे जब वो औसत मकाम से सीधे हक की तरफ जाएगा और आजम कीमत माइनस हम लोग उस वक्त लेंगे जब वो औसत मकाम से लेफ्ट साइड में जाएगा। इसका मतलब इस मतलब फॉर्मूले से ये चीज पता चलती है कि जब जरा औसत मकाम पर होगा तो यहाँ उसकी रफ्तार मैक्सिमम होगी और उसकी कीमत होगी प्लस माइनस ओमेगा ए। यहाँ पर ये प्लस और माइनस जो है वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए है। अगर जरा पॉजिटिव तरफ जा रहा है, मतलब मुस्बित एंड की तरफ अगर वो जा रहा है तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर जरा यानी प्लस ओमेगा ए लेंगे, और अगर वो जरा मनफी सिरे की तरफ जा रहा है तो हम लोग उसको माइनस ओमेगा इंटू ए लेंगे। तो इस तरह से ये मैक्सिमम कीमत हो गई। अगर हम इंतहाई कीमत, अगर हम खती रफ्तार की इंतहाई मकाम पर अगर कीमत निकालना चाहें तो आप लोग देखिए इसी फॉर्मूले पे से वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स की जगह पर अगर आप इंतहाई मकाम की बात करें इन्हें पॉइंट बी की या पॉइंट ए की, तो वहां पर एक्स की कीमत ए लेना पड़ेगा। जाहिर है ये फॉर्मूला बन जाएगा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर भी ए ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा जीरो। तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जवाब आ जाएगा जीरो, मतलब जाहिर है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरीके से हम खती रफ्तार के बारे में, खती रफ्तार की अकल तरीन कीमत जो है मिनिमम वैल्यू जो है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो वी मिनिमम इज इक्वल टू जीरो, जाहिर है यहाँ पर भी हम उसको लिख सकते हैं तो वी मिनिमम इक्वल टू जीरो। तो आप लोग देखिए खती रफ्तार और खती हटाव जो है वो एक दूसरे से अपोजिट जैसे हो गए हैं। खती हटाव जो है वो कम से कम होता है औसत मकाम पर जीरो, और खती रफ्तार जो है वो कम से कम होगी जीरो इंतहाई मकाम पर। मतलब औसत मकाम पर हटाव जो है वो सबसे कम है तो रफ्तार सबसे ज्यादा है, और इंतहाई मकाम पर हटाव सबसे ज्यादा है तो रफ्तार जो है वो सबसे कम है यानी जीरो है। अब हम इसरा के बारे में बात करेंगे। आप लोग देखिए इसरा का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये फॉर्मूले के लिहाज से अगर हम बात करें, आप लोग देखिए ए की कीमत अगर मैं औसत मकाम पर लेता हूँ, औसत मकाम पर एक्स जीरो लेना पड़ेगा। अगर मैंने एक्स की कीमत जीरो ले लिया तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो, जाहिर है जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जवाब जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसरा की मिनिमम कीमत जो है वो जीरो हो सकती है और वो औसत मकाम पर होगी। तो यहां पर ए की मिनिमम कीमत आ जाएगी जीरो। ओके, अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करेंगे। आप लोग देखिए ए इज इक्वल टू है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। अब फर्ज करते हैं कि जर्रा पॉजिटिव एंड पर है, मतलब मुस्बित इंतहाई मकाम पर है। तो यहां पर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स की जगह पर मुझे प्लस ए लेना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहां पर प्लस ए लेता हूं तो ए की जो मिनिमम, ए की जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर। तो आप लोग देखिए ये वैल्यू मुझे यहाँ के लिए मिली है, मतलब मैंने ए को पॉजिटिव लिया था तो इसरा की कीमत इतनी आ गई है। इसका मतलब यहाँ पर ए की मैक्सिमम कीमत आ गई है माइनस
ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। ओके, आप लोग गौर कीजिए कि जर्रा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर है, पॉजिटिव एंड पॉइंट पर है, मुस्बित इंतहाई मकाम पर है, मगर उसका इसरा जो है वो निगेटिव है। ओके, अब हम यहाँ की बात करेंगे। अगर इस जगह पर हम लोग बात करते हैं तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू, अब इस पॉइंट पर एक्स की कीमत माइनस ए है, इसका मतलब ये लेना पड़ेगा माइनस ए, तो ये आ जाएगा ए मैक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो इस लिहाज से अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर ए मैक्स इसकी कीमत जो है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगी पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा इसरा का मामला बिल्कुल बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हटकर है। पॉजिटिव एंड पर यानी मुस्बित इंतहाई मकाम पर इसरा जो है वो निगेटिव होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए उसकी कीमत आएगी, और मनफी सिरे पर मतलब निगेटिव जो एंड पोजीशन है यहाँ पर इसरा की आजम कीमत होगी लेकिन वो पॉजिटिव होगी। तो इस तरीके से लिमिटिंग वैल्यूज जो है वो खती हटाव की, खती रफ्तार की और खती इसरा की अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। मुझे यकीन है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अब आप एक चार्ट पे नजर डालिए, उससे आपको इनकी मतलब कीमतें जो है वो पूरी तरह समझने में आसानी होगी। हाँ, तो देखिए इस चार्ट में आपको खती हटाओ, खती रफ्तार और खती इसरा की अकल तरीन कीमत और आज़म कीमत, इसका जो है चार्ट पूरा दिया गया है। सबसे पहले अगर हम खती हटाओ पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि औसत मकाम पर हटाओ जो है वो सिफर है, ये उसकी अकल तरीन कीमत है, कम से कम कीमत। इसी तरह से अगर हम इंतहाई मकाम पर देखते हैं तो इंतहाई मकाम पर हटाओ की आज़म तरीन कीमत जो है वो ए है। इसमें हम इतना कह सकते हैं कि मुस्बित इंतहाई मकाम पर हम इसे प्लस ए लेंगे और मनफी इंतहाई मकाम पर माइनस ए लेंगे। ओके, इसके बाद आप देखिए खती रफ्तार। अगर हम खती रफ्तार के बारे में बात करें तो इंतहाई मकाम पर खती रफ्तार की मिनिमम कीमत का अकल तरीन कीमत जो है वो ज़ीरो होगी इंतहाई मकाम पर, मतलब दोनों इंतहाई मकाम पर खती रफ्तार सिफर होगी, और औसत मकाम पर उसकी कीमत आज़म होगी। और यहाँ पर आज़म कीमत का जाप्ता आपके सामने दिख रहा है, वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। आप लोग यहाँ पर इतना याद रखें कि ये जो ओमेगा इंटू ए जो है आज़म रफ्तार, आप इसके साथ प्लस और माइनस दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ज़र्रा पॉजिटिव सिमत में जा रहा हो तो हम उसे प्लस ओमेगा ए बोलेंगे, और अगर वो निगेटिव सिमत में जा रहा है तो माइनस ओमेगा ए। लेकिन कद्र के लिहाज से, मैग्नीट्यूड के लिहाज से वी मैक्स की कीमत ओमेगा इंटू ए होगी। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि खती इसरा जो है, खती इसरा की अकल तरीन जो कीमत है, मिनिमम कीमत, वो ज़ीरो है औसत मकाम पर, और उसकी जो आज़म कीमत है वो है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंतहाई मकाम पर। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मुस्बित इंतहाई मकाम पर इसरा की ये जो कीमत है ये मनफी होगी। अगर मुस्बित इंतहाई मकाम है तो इसरा मनफी होगा, और मनफी इंतहाई मकाम पर इसरा जो है वो मुस्बित होगा, मतलब इसरा जो है वो हटाव से अपोज़िट होता है। तो जहाँ पर हटाव ज़्यादा से ज़्यादा होगा वहाँ पर खती इसरा जो है वो अपोज़िट अंदाज़ में काम करेगा। ओके, तो ये था इस चार्ट का मतलब कि किस तरह से औसत मकाम और इंतहाई मकाम पर खती हटाव, खती रफ्तार और खती इसरा की कीमतें मुख्तलिफ होती हैं। ओके, तो आइए अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पीरियड ऑफ एसएचएम, मतलब सादा मौसी की हरकत का वक्त दौरान। उर्दू में हम वक्त दौरान के अलावा एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं और वो है दौरानिया। ओके, तो अब आइए देखते हैं वक्त दौरान या दौरानिए का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल अंदाज में हम इसे इमेजिन कर सकते हैं। आप लोग देखिए वक्त के वक्त और दौरान का मतलब एक चक्कर या एक एहतजाज होता है। तो वक्त दौरान या दौरानिए का मतलब होगा वो वक्त जिसमें एक एहतजाज मुकम्मल हो जाए। अगर एक एहतजाज मुकम्मल हो जाता है तो जो वक्त लगेगा, जो टाइम लगेगा, उसे हम कहते हैं वक्त दौरान। तो तारीफ कुछ इस तरह से हो सकती है कि जब कोई जर्रा
खती SHM करता है, खती सादा मौसी की हरकत करता है, तब एक एहतजाज मुकम्मल करने के लिए जो वक्त दरकार होता है उसे वक्त दौरान कहते हैं। आम तौर पर हम इसे कैपिटल टी से जाहिर करेंगे, मतलब उसकी जो अलामत है वो कैपिटल टी है। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इसका फॉर्मूला जो है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप गौर कीजिए कि खती SHM करने वाले जर्रे के लिए हटाव की जो मसावात है वो होती है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ पर हम ये जो टाइम है टी, गुजरता हुआ वक्त, हम लोग इसको एक पर्टिकुलर एक नंबर से रिप्लेस करते हैं। सपोज कीजिए आपके टाइम जो है उसमें इजाफा हुआ है 2 पाई अपॉन ओमेगा का, मतलब टी की जगह पर हम लोग टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा ये फैक्टर हम लोग लेते हैं। अगर मान लो अगर हम लोगों ने ये फैक्टर लिया टाइम की जगह पर, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट ओमेगा की जगह पर ओमेगा ही रहेगा और टी की जगह पर हमको ये सब लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा इन ब्रैकेट टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा प्लस फाई। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट। आप लोग देखिए जैसे ही ये अंदर वाला ये ब्रैकेट खोलते हैं ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस ओमेगा, जब यहां आकर मल्टीप्लाई करेगा तो ओमेगा और ये अपॉन वाला ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहां बचेगा 2 पाई प्लस फाई। अब ये जो चीज आपको मिली एक्स इज इक्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट, आप लोग देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले मतलब इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर आपको बताया था कि 2 पाए उसी मकाम पर होता है जहां पर 0 होता है। 2 पाए का जो सीधा साधा जो मतलब है, पाए का मतलब है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, तो 2 पाए का मतलब होगा 360 डिग्री। लेकिन वो जो सर्कल हम लोगों ने अभी देखा था जावियों का, उसमें हमको ये चीज समझ में आई थी कि ये जो 2 पाए है एक्चुअली ये 0 है, मतलब 2 पाए जो है अगर प्लस में 2 पाए अगर कंसीडर करते हैं किसी फॉर्मूले के अंदर, अगर कहीं पर अगर प्लस में 2 पाए आता है तो इसका मतलब प्लस हम उसको 0 कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि 0 और 2 पाए सेम होता है रेडियस के अंदर। तो अगर इसको हमने 0 के तौर पे अगर इमेजिन किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 0 प्लस 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब आप गौर कीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर। इक्वेशन 1 जो है वो स्मॉल टी वाले टाइम पर है, यानी स्मॉल टी वक्त के लिए SHM की जो मसावत है वो कुछ इस तरह से है, और टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा यानी इतना वक्त गुजरने के बाद जो मसावत मिली वो हमको ये है, लेकिन दोनों मसावतें सेम है। और अगर ये दोनों मसावतें सेम है इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर हमने लिया था 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये डेफिनेटली ये वो वक्त है जिसके अंदर जर्रा अपने आप अपने इब्तदाई मकाम पर वापस आ जाएगा, मतलब उसका एक एहतजाज जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, उसका जो हटाव है वापस सेम जगह आ जाएगा पहले जैसा। इसका मतलब ये हुआ कि इस फैक्टर को हम लोग टाइम पीरियड के तौर पे ले सकते हैं, यानी जब हम किसी जर्रे की खती SHM को अगर कंसिडर करेंगे तो उसमें 2 पाई अपॉन ओमेगा ये जो चीज है ये पीरियड ऑफ SHM के तौर पर जो है वो लिया जा सकता है, मतलब ये ही फैक्टर जो है ये टाइम पीरियड हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए जो हमको अभी फॉर्मूला जो मिला यानी SHM के लिए वो फॉर्मूला मिल गया टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, अब आप और एक चीज पर गौर कीजिए कि हमने ओमेगा स्क्वायर इस चैप्टर में लिया था के बाय एम की जगह पर, के का मतलब है फोर्स कांस्टेंट और एम का मतलब है उस जर्रे की कमी है जो SHM में है। तो ओमेगा का स्क्वायर अगर के बाय एम है तो फिर ओमेगा जो है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम, तो ये चीज आप ऊपर के फॉर्मूले में रख सकते हो। तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह पर ये कीमत अगर रखेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। और अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप लोग देखिए इसको सॉल्व करते बराबर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, और ये वाला फैक्टर अगर ऊपर मल्टीप्लाई के तौर पे लेते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एम अपॉन के। तो आप लोग गौर करें कि ये जो फॉर्मूला आपके सामने है ये खती SHM करने वाले किसी भी जर्रे का जो पीरियड है उसका जो वक्त दौरान है उसको ये जाहिर करता है। ओके,
हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। आप लोग देखिए, इसमें इस फॉर्मूले को चेंज करने के लिए है, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ये के बारे में कंसिडर करते हैं। आप लोग देखिए, हमने SHM की तारीफ या उसकी जो शर्त देखे थे वो ये थी कि एफ प्रोपोर्शनली टू एक्स होना चाहिए, मतलब जो अंदरूनी बाहरी कुवत है वो हटाव के साथ रास तनासुब में होना चाहिए। तो अगर एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स है, इसका मतलब एफ इज इक्वल टू आ जाएगा के इंटू एक्स, अगर हम वो प्लस माइनस इन डायरेक्शंस को अगर नजरअंदाज करें तो एफ इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। इसका मतलब के की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एफ अपॉन एक्स, तो हम ये कीमत वहां ले सकते हैं। तो अगर मैं इस कीमत को उठाकर यहां लाता हूं, तो आप लोग गौर कीजिए कि देखिए ये फॉर्मूला जो है ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन, और ये के है तो के की जगह पर मैं ले सकता हूं एफ बाय एक्स। ओके, अब आप गौर कीजिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर यहां पर तीन लोग हमको नजर आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो रेशो में जो थर्ड नंबर पे होता है वो हमेशा फर्स्ट में आ जाता है मल्टीप्लाई होकर। इसका मतलब ये हो जाएगा एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एफ। तो इस तरह से हमारे पास एक नए रूप में ये फॉर्मूला मिल गया, वक्त दौरान का फॉर्मूला हमारे पास आया, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एम इंटू एक्स अपॉन एफ। अब आप गौर कीजिए, जो न्यूटन के अलग अलग कानून है हरकत के तीन, उनमें से जो दूसरे नंबर वाला जो हरकत का कानून है उसके मुताबिक हम एफ की जगह पर एम इंटू ए ले सकते हैं, यानी कुवत जो है वो हमेशा कमैयत और खतीसरा का हासिल जरब होती है, तो हम एफ की जगह पर ये नंबर ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ उठा के इसको रखता हूँ तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम इंटू एक्स अपॉन एफ की जगह पर आ जाएगा एम इंटू ए। हाँ, तो जैसा आप लोगों ने भी देखा, टी इज इक्वल टू आ गया 2 पाई अंडर रूट एम इंटू एक्स अपॉन एम इंटू ए, यहाँ पर एम से एम कैंसल हो जाएगा और आपको फॉर्मूला मिलेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन ए। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जरब में ये जो नंबर है इसको अगर हम तकसीम में नीचे लेकर आते हैं, अपॉन में कर लाएंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स। और अब अगर हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो फिर हमको फॉर्मूला मिलेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए। इसका मतलब ये हुआ कि वक्त दौरान जो है वो हमेशा 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर होगा, एक्सेलरेशन लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन, जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट 1 हो। ओके, मतलब ये वो खती इसरा है जिसके लिए हटाव की कीमत, खती हटाव की कीमत इकाई है। तो इस लिहाज से अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को अगर एक सिंपल वे में अगर लिखना चाहें तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट, और अब अंडर रूट के अंदर यहां पर कौन आएगा, तो खती इसरा लेकिन इकाई हटाव वाला, तो इसलिए मैं उसको लिख सकता हूं इकाई हटाओ के लिए खती इसरा। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया टाइम पीरियड के लिए, वक्त दौरान के लिए। अब हम इसी को बुनियाद बनाकर, इसी पर से हम लोग तवातीर के लिए भी फॉर्मूला जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो इसी के साथ जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी, मतलब तवातिर या तादुद। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी तारीफ पर गौर करेंगे कि तवातिर या तादुद क्या होती है। तो तवातिर का मतलब होगा कि जब कोई जर्रा खती सादा मौसी की हरकत करता है तब वो इकाई वक्त में, मतलब खास तौर से अगर हमने 1 सेकंड अगर वक्त लिया या कोई भी इकाई वक्त ले सकते हैं, तो इकाई वक्त में जितने भी एहतजाज मुकम्मल होंगे, एहतजाज की उस तदाद को तवातिर या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस मुनासिबत से अगर हम उसका फॉर्मूला अगर बनाएं तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा एन इज इक्वल टू 1/T, क्योंकि वो वक्त दौरान का उल्टा होगा, तो तवातिर बराबर 1/ वक्त दौरान, या वक्त दौरान का जरबी माकूस जो है वो तवातिर है। और अगर हम इस पर से वक्त दौरान का फॉर्मूला अगर हम इसके अंदर लाके रख दें
तो हमको जो फॉर्मूला इसके अंदर मिल सकता है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। हम लोगों ने देखा था कि वक्त दौरान के अंदर वो एम अपॉन के मिला था, तो यहाँ पर वो के अपॉन एम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम खतिय सेशन की तवातीर जो है वो भी मालूम कर सकते हैं। ओके, आइए अब हमारा अपना अगला जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है फेज ऑफ एस एच एम, उर्दू में हम लोग इसे कहेंगे हैयत। अब सवाल ये आता है कि हैयत या फेज जो है इसका मीनिंग क्या होगा। तो आप लोग देखें, जब जर्रा खती सादा मासी की हरकत जब करता है तो उस दौरान उस जर्रे की जो हालत है वो लगातार बदलते रहती है, और वो बदलती इसलिए रहती है क्योंकि कई मरतबा वो जर्रा पॉजिटिव से निगेटिव सिरे की तरफ चलता है, और कई मरतबा वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है, और इस तरह से बार बार उसकी जो हालत है वो लगातार बदलती रहती है। तो उस हालत का जो बदलाव है, उस जर्रे की जो हालत है, हरकत की जो हालत है, उसे हम लोगों ने हैयत या फेज का नाम दिया हुआ है। ओके, तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। आप लोग देखिए, हम लोगों ने अभी देखा था कि खती सादा मौसी की हरकत के दौरान खती हटाओ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पर आप लोग इस फॉर्मूले में आप लोग गौर कीजिए कि इसमें एक्स जो है वो लगातार बदलने वाली चीज़ है, मतलब औसत मकाम से जो जर्रे का हटाव है वो एक्स है और वो लगातार बदलते रहेगा, लेकिन ये हटाव जो है ये बदलेगा वक्त की मुनासिबत से। जैसे जैसे ये वक्त चेंज होगा वैसे वैसे ये वाला नंबर जो है बदलते जाएगा, और इसकी वजह से एक्स जो है वो बदलते जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हकीकत में बदलाव वाली अगर कोई चीज़ है, तब्दीली वाली अगर कोई चीज़ है, तो वो ये वाली चीज़ है। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को हैयत या फेज कहते हैं। आमतौर पर क्योंकि वो एक जाविया होता है तो हम लोग उसको थीटा से जाहिर कर सकते हैं, एक एंगल के तौर पर हम लोग उस वक्त उसे फेज एंगल कहेंगे, मतलब हैयती जाविया कहेंगे। तो इस तरह से यह आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं, और ये जो जाप्ता आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये एस एच एम के फेज को जाहिर करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसी पर थोड़ी बात कर लेंगे कि सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो फेज ऑफ एस एच एम यानी सादा मासी की हरकत की हैयत जो है उसका मतलब होता है जब कोई जर्रा खती सादा मासी की हरकत करता है तब उस जर्रे की हरकत की हालत को, उस जर्रे की हरकत की हालत को मतलब स्टेट ऑफ मोशन को हैयत या फेज कहते हैं। और ये जो फेज है ये एक तरह की जाविया मिकदार है, मतलब एंगुलर क्वांटिटी है, इसीलिए हमने उसको थीटा से जाहिर किया हुआ है, और उसके लिए जो फॉर्मूला हमको मिला वो है ओमेगा टी प्लस फाई। अब इस फॉर्मूले को बुनियाद बनाकर हम बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज पर गौर करो यहाँ पर कि ये जो फॉर्मूला आपको नजर आया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, इसमें ओमेगा जो है वो जाविया रफ्तार है, टाइम टी जो है वो लगातार बदलने वाली चीज है, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे जाविया रफ्तार जो है उसकी वजह से ये नंबर जो है बदलता जाएगा। यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान में रखें कि ये जो ओमेगा है जाविया रफ्तार, ये मुस्तकिल चीज है, ये कांस्टेंट होती है। और ये क्यों कांस्टेंट है तो उसका रीजन आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो पहले लेक्चर में देखा था, हम लोगों ने पहली बार इस चैप्टर में ओमेगा स्क्वायर की कीमत इस्तेमाल किए थे के बाय एम की जगह पर, और के और एम दोनों कांस्टेंट थे। इस मुनासिबत से अगर हम देखें तो यहाँ पर ओमेगा की जो कीमत है वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। तो अगर के और एम दोनों कांस्टेंट है तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम भी कांस्टेंट हुआ, मतलब ओमेगा एक कांस्टेंट चीज है, वो बदलने वाली चीज नहीं है, लेकिन उसके साथ में टाइम फैक्टर है, और टाइम एक ऐसी चीज है जो कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो हमेशा बदलते रहेगा। और जब हम इस जर्रे की स्टडी शुरू करेंगे एस एच एम की, तो हम लोग शुरू में ये मानकर चलेंगे कि वक्त जो है वो जीरो है, हम उसको जीरो से स्टार्ट करेंगे। हालांकि वक्त जीरो भी कभी नहीं होता है, वक्त लगातार आगे बढ़ने वाली चीज है, लेकिन हरकत की स्टडी करने के लिए हम लोग ये मानकर चलेंगे कि जब जर्रा हरकत शुरू करेगा उस वक्त हम टाइम को जीरो लेंगे। तो इस तरीके से आइए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग पॉसिबिलिटीज पर बात करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू आ गया है, एक्स की जो कीमत हमको यहाँ पर मिली है वो है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
इस फॉर्मूले में ओमेगा टी प्लस फाइव, जैसा कि अभी हमने देखा कि वो SHN का फेज है, उसका हैयत है। इसमें ये जो फाय है इसको हम लोग इब्तदाई हैयत कहते हैं या हैयत का मुस्तकी कहते हैं, मतलब फेज कांस्टेंट कहेंगे। और क्यों उसे इब्तदाई हैयत कहेंगे तो उसका रीजन आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। आप देखिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाय है। अगर मैं इब्तदाई वक्त की अगर बात करूं तो इब्तदाई हालत में टाइम बराबर जीरो लेना पड़ेगा, तो जैसे हम टाइम बराबर जीरो लेंगे ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू जीरो, मतलब ये पूरा नंबर जीरो हो गया, जीरो प्लस फाय मतलब फाय। तो इस तरह से ये चीज साबित हो गई कि जब जर्रा इब्तदाई हालत में होता है, जब SHN की शुरुआत होती है, उस वक्त जो हैयत है वो मुस्तकिल होती है, उसी को हम लोग हैयत का मुस्तकिल या फेज कांस्टेंट कहते हैं। और क्योंकि ये सब एक यानी हैयत या हैयत का मुस्तकिल सिर्फ एक जाविया है, इस वजह से ऐसा निज़ाम में उसकी जो यूनिट है वो रेडियन होती है। हम लोग उसको डिग्री में भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग फिजिक्स में ऐसा सिस्टम के लिहाज से अगर बात करें तो उसकी यूनिट रेडियन है। ओके, अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा। और आप लोग देखिए, अगर मैं टाइम बराबर जीरो लेता हूं तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू जीरो, मतलब ये नंबर जीरो हो गया, और जीरो के अंदर अगर मैं प्लस करता हूं फाइव को तो ये हो जाएगा फाइव। ओके, अब आप एक चीज पर गौर करो कि जब जरा इब्तदाई हालत में अगर हम बात करें तो मान लो कि वो जरा इब्तदाई हालत में औसत मकाम पर है। अगर वो जरा औसत मकाम पर होता है तो ये एक्स जो है इसकी कीमत जीरो लेना पड़ेगा, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले लिमिटिंग वैल्यूज में देखा था। तो अगर औसत मकाम पर एक्स बराबर जीरो है, याद आएगा जीरो इज इक्वल टू ए साइन फाई। ओके, अब आप ये ए को शिफ्ट करो इधर, ये ए जो है वो जीरो के अपॉन में आ जाएगा, तो जीरो अपॉन ए मतलब जीरो, इसका मतलब हम लोगों को फॉर्मूला मिलेगा साइन फाई इक्वल टू जीरो। और अगर साइन फाई बराबर जीरो मिलता है तो फाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया कि अगर जर्रा औसत मकाम पर हो तो इब्तदाई हालत में फाई की कीमत जीरो होती है, मतलब हैयती जाविया जो होगा वो जीरो होगा अगर जर्रा औसत मकाम से अपनी हरकत को शुरू करे। ये पहला रिजल्ट हमको यहां पर मिला, तो फाई की जो कीमत है वो हमको मिल गई जीरो औसत मकाम के लिए। ओके, अब हम लोग इसी आर्टिकल को और आगे बढ़ाते हैं। अब सपोज करते हैं कि जर्रा इंतहाई मकाम का है, हरकत करते करते वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया, तो जाहिर है ऐसी हालत में हम एक्स की वैल्यू को ए लेना पड़ेगा प्लस माइनस ए। अगर वो पॉजिटिव एंड पर चला गया तो प्लस ए, और अगर वो नेगेटिव साइड में है तो माइनस ए लेंगे। तो हम लोग एवरेज में, मतलब हम लोग यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए ले सकते हैं प्लस और माइनस को ना लेते हुए। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू जीरो प्लस फाइव, क्योंकि हम इब्तदाई हालत ले रहे हैं तो इसलिए टाइम को जीरो ले लिया हम लोगों ने। तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू जीरो, गायब हो गया, जीरो हो गया, और जीरो प्लस फाइव मतलब फाइव। अब आप ये ए को शिफ्ट करो इधर, तो ये ए अपॉन के में आ जाएगा, ए अपॉन ए इज वन, इसका मतलब ये आ जाएगा साइन फाइव इज इक्वल टू वन। और अब आपको पता है कि दुनिया में एक ही जाविया ऐसा होता है जहां पर फाई की वैल्यू, जहां पर साइन की वैल्यू जो है वो वन होती है, और वो है 90। इसका मतलब ये हुआ कि फाई की जो कीमत है वो 90 है। लेकिन एक और चीज है, सिर्फ 90 पर साइन की वैल्यू वन होती है ऐसा जरूरी नहीं है। साइन की वैल्यू को हम माइनस वन अगर कंसिडर करें तो हम उसको, मतलब ये जो पाई बाय टू है, यहाँ पर पाई के साथ में जो जरीब है वो एक है, तो अगर हम एक हटाकर, एक जो है ऑड नंबर है, तो हम लोग अगला ऑड नंबर भी ले सकते हैं मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा थ्री पाई बाय टू भी चलेगा। ओके, यानी पाई बाय टू भी चलता है और उसके अलावा थ्री पाई बाय टू भी चलेगा, तो वहां पर भी फाइव जो है उसकी, यानी फाइव की जो कीमत है वो थ्री पाई बाय टू भी हम ले सकते हैं अगर हम लोग। तो इस तरीके से ये हमको इंतहाई मकाम की हालत मिल गई, मतलब यहाँ पर हमको फाइव की जो कीमत मिली है वो मिली है पाई बाय टू या फिर थ्री पाई बाय टू। ओके, तो ये था पहले एहतजाज के दौरान, मतलब अगर जरा एक एहतजाज अगर करता है तो एक ऑसिलेशन के दौरान हमारी कीमतें जो है वो कुछ इस तरह से आएगी। ओके, अब मैं यहाँ पर एक इन शॉर्ट आप लोगों को सिर्फ ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो जाविये की जो अलग अलग जो कीमतें हमको नजर आ रही है, तो अगर हम एक सर्कल पर इसको इमेजिन करें तो ये क्या कैसी होंगी। आप लोग देखिए, आप ऐसा तस्वीर करो कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक पूरा सर्कल है और ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, एकदम रफ अंदाज में हम बात करें,
तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ओ रहेगा, मतलब ओरिजिन, या औसत मकाम भी ले सकते हो आप इसको। अब जर्रा अगर इस मकाम पर है, मतलब ये पॉइंट ए है सपोज करो, और ये जो है ये मान लो कि पॉइंट बी है, तो जाहिर है ये पॉजिटिव एंड हुआ और ये निगेटिव एंड हुआ। जर्रा जो है वो ऐसी हरकत करेगा पॉइंट ए और बी के दरमियान। तो जब जर्रा यहाँ पर होगा इस मकाम पर, तो जाहिर है यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो जीरो बनेगा, तो ये वैल्यू आ गई 0 डिग्री या 0 रेडियन। जब वो जर्रा हरकत करते हुए इस मकाम पर आएगा तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 90 हो जाएगी, मतलब 90 डिग्री। इसके बाद जब जरा इस मकाम पर आएगा तो जाहिर है ये एकदम अपोजिट हुआ, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। और उसके बाद जब वो यहाँ से करके यहाँ आ जाएगा तो इसके अंदर और प्लस मिलाना पड़ेगा 90 को, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। अब ये जो डिग्री में मैंने जो इनको लिखा हूँ, इन वैल्यूज को, तो इन्हीं को अगर हम पाए में कन्वर्ट करके लिखें तो ये और ज़्यादा आसान हो जाता है। आप देखिए 0 डिग्री का मतलब तो 0 होगा, 0 रेडियन। ये जो 90 है इसका मतलब हो जाएगा पाई बाय 2। ये यहाँ पर 180 आया है, तो अगर ये पाई बाय 2 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई, ओके, पाई रेडियन। और जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो ये पाई बाय 2 है, तो ये 1 पाई बाय 2 है, तो इसका अपोजिट अगला ऑड नंबर आएगा, मतलब यहाँ पर उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 पाई बाय 2। और अगर ये पाई है तो फिर ये पलट कर जब यहाँ वापस आएगा तो पाई प्लस पाई मतलब 2 पाई, तो इस तरह से यहाँ की वैल्यू 2 पाई आ जाएगी। तो आप लोग देखिए जिसे हमने 0 कहा है वो 2 पाई भी है, मतलब 0 रेडियन का दूसरा मतलब 2 पाई भी होता है। तो इस लिहाज से आप यहाँ पर फाई की दो वैल्यूज इमेजिन कर सकते हो। अगर जर्रा इब्तदाई हालत में, मतलब इब्तदाई हालत में अगर वो जर्रा जो है औसत मकाम से अगर अपनी हरकत शुरू करता है तो फाई की कीमत जो है वो 0 या 2 पाई आएगी। अगर अगर जर्रा इंतहाई मकाम से अपनी हरकत शुरू करता है तो फाई की जो वैल्यू है वो या तो पाई बाय 2 आएगी, अगर वो यहाँ हम लोग ले रहे हैं तो, और या फिर वो आएगी 3 पाई बाय 2। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग इस पर और गौर करते हैं। इसमें आप लोग देखिए, अगर जर्रा मान लो इस मकाम पर है, इन पॉजिटिव एंड पर, तो पॉजिटिव एंड के बाद उस जर्रे ने उधर तो जाना ही नहीं है, इसका मतलब वो जर्रा इधर आएगा, तो पॉजिटिव एंड के बाद जर्रा हमेशा मनफी सिमत में जाएगा। ओके, यानी जर्रे की जो हालत है या उसकी जो हरकत होगी वो डेफिनेटली निगेटिव साइड में होगी, तो वो एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में ही जाएगा, यही एक पॉसिबिलिटी उसकी है। ओके, और जब जरा यहाँ होगा, ये मनफी इंतहाई मकाम पर होगा, तो वो और इधर नहीं जा सकता। ओके, उसको मजबूरन इधर ही जाना पड़ेगा, मतलब वो जाएगा किधर, पॉजिटिव साइड में। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी बारीकी को आप ध्यान में रखिए कि जब जर्रा पॉजिटिव एंड पर होता है तो वो मनफी सिमत में जाएगा, सिर्फ उसकी सिर्फ ये मुमकिन है कि उसने निगेटिव साइड में जाना है। और जब वो निगेटिव एंड पर होगा, मनफी इंतहाई मकाम पर होगा, तो उसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो एक्स महवर के पॉजिटिव सिमत में जाएगा। लेकिन अगर आपने ये पॉइंट और ये पॉइंट पर अगर गौर किया तो यहां पर ये बात लागू नहीं होगी। मतलब आप गौर कीजिए कि अगर जरा इस मकाम पर है, इंतहाई मकाम वाली, यानी वो इस पोजीशन पर है, तो यहां पर आने के बाद वो जर्रे के लिए अब आजादी हो सकती है कि वो अगर इधर वाली हरकत में है तो वो उधर जाएगा, और अगर इधर वाली हरकत में है तो इधर जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पॉसिबिलिटी दोनों चीजों की है। तो जब भी हम फाइव बराबर 90 मतलब पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 मतलब ये वाले मकाम की अगर बात करते हैं, तो ये दो मकाम ऐसे हैं जहां पर हटाओ, यहां पर वो जो जर्रा है उसकी जो हरकत है या उसकी जो हालत है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो ये पूरा कंसेप्ट था खती SHM की हैयत के ताल्लुक से। अब आप देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है आज का, वो है मुख्तलिफ स्प्रिंग जो होते हैं उनको आपस में मुतवाजी या मुसलसल अंदाज में अगर जोड़ा जाए तो उनकी महासिल जो उनका कुव्वत का मुस्तकिल होगा, फोर्स कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा, इससे रिलेटेड अब हम बात कर रहे हैं। आप देखिए, ये टॉपिक जो है हमारे बोर्ड की बुक में एक स्पेशल टॉपिक के तौर पे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमको इसकी स्टडी तो करना है, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, बहरहाल अब यहाँ हम गौर करते हैं कि स्प्रिंग्स जो हैं उनको हम
कितने तरीकों से जोड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास दो स्प्रिंग हैं तो आप उनको या तो मुतवाजी जोड़ सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, या फिर आप उनको मुसलसल अंदाज़ में जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे मुसलसल तरतीब की या मुसलसल जोड़ की, यानी सीरीज़ कॉम्बिनेशन। मतलब हम यहाँ पर दो अलग अलग स्प्रिंग्स को मुसलसल अंदाज़ में जोड़ेंगे। तो उनका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आप देखिए इस फिगर में, फिगर ए में आपके सामने जो नज़र आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट के साथ, आप अगर इस फिगर पे अगर गौर करें पहले, तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ एक सपोर्ट है और उसके साथ में एक पहला स्प्रिंग है K1, जिसका कांस्टेंट K1 है। उसके साथ एक दूसरा स्प्रिंग जो है वो सीरीज़ में जोड़ा गया है, और उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K2 है, और इन दोनों के साथ में एक लोड जोड़ा गया है। और ये जो निज़ाम है, जो ये हॉरिजॉन्टल अंदाज़ में वाइब्रेशन में है, मतलब ये आगे पीछे ऐसे चिम करेगा। ओके, इसी तरह से अगर आप इस फिगर पे गौर करें, इसी फिगर का ये दूसरा जो पार्ट है, आप देखिए यहाँ एक सपोर्ट के साथ पहला स्प्रिंग लटका हुआ है K1, उसके साथ दूसरा स्प्रिंग लटका हुआ है K2, जो कि सीरीज़ में है, और निचले सिरे के ऊपर वज़न M जो है वो लगा हुआ है। तो हमारा अभी फ़िलहाल जो टारगेट है वो ये है कि इस तरह के निज़ाम में महासिल K की कीमत क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ पे गौर कीजिए कि यहाँ पर दोनों स्प्रिंग्स जो हैं उन पर अमल करने वाली कुव्वत एक ही है। तो इस मुनासिबत से अगर हम बात करें तो जो कुव्वत का जो फार्मूला होगा पहले स्प्रिंग के लिए, वो हो जाएगा K इज़ इक्वल टू F1 इंटू X। यहाँ पर X की जगह पर आप E1 ले सकते हैं, क्योंकि जो एक्सटेंशन या जिसको तूलियत बोल सकते हैं उर्दू में हम लोग, इलांगेशन, वो E1 हम ले रहे हैं पहले स्प्रिंग के लिए। तो पहले स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 है और उसकी इलांगेशन जो है वो उसका जो एक्सटेंशन है वो E1 है। तो इस लिहाज से F की कीमत हो जाएगी K1 इंटू E1। ओके, मतलब ये इसकी इतना पार्ट। इसी तरह से आप अगर गौर करें तो यही वाली कुव्वत दूसरे स्प्रिंग पर भी अमल कर रही है, इसलिए हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू K2 इंटू E2। और क्योंकि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, इसलिए हम इनको एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम पहले इसमें गौर करें तो उस पे से E1 की कीमत निकाल सकते हैं। E1 की कीमत आ जाएगी, मतलब पहले स्प्रिंग का जो तूलियत है या उसके अंदर जो इजाफा हो रहा है उसकी लंबाई में, वो आ जाएगा एक्सटेंशन, यानी E1 इज़ इक्वल टू F/K1। और ऐसे ही अगर दूसरा निकालते हैं तो वो F/K2 आएगा। अब आप देखिए दोनों स्प्रिंग्स को जब एक साथ, यानी मुसलसल अंदाज़ में जब जोड़ा गया है, तो इस सूरत में जो टोटल इलांगेशन आएगा वो उनको प्लस करना पड़ेगा, मतलब E इज़ इक्वल टू आ जाएगा E1 + E2। इसमें कीमतें ला के रखें तो E इज़ इक्वल टू आ जाएगा F/K1 + F/K2। अब यहाँ से हम F को कॉमन निकाल सकते हैं, तो E इज़ इक्वल टू आ जाएगा F इन ब्रैकेट 1/K1 + 1/K2। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ओके, अब हम यहाँ मजमुई जो कुव्वत है उसके बारे में बात करेंगे कि जो अमल करने वाली जो मजमुई कुव्वत है, अगर उसको टोटल इलांगेशन के साथ अगर देखा जाए तो उसका फार्मूला हो जाएगा F इज़ इक्वल टू Ks × E। इस पर से अगर हम E की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा E इज़ इक्वल टू F/Ks। यहाँ पर Ks का मतलब रहेगा स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। यह हमारी इक्वेशन 2 हो गई। आइए अब इक्वेशन 1 और 2 का मुवाजना करें। जब आप दोनों का मुवाजना करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, F/Ks इज़ इक्वल टू F(1/K1 + 1/K2। आप देखिए दोनों साइड में F से F कैंसिल हो जाएगा और जो चीज़ आपको मिलेगी वो ये है, 1/Ks इज़ इक्वल टू (1/K1 + 1/K2)। आप लोग याद रखिए ये फार्मूला जो है ये दो स्प्रिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, अगर दो स्प्रिंग्स को आपस में सीरीज़ में जोड़ा गया हो तो, मुसलसल अंदाज में जोड़ा गया हो तो। हाँ, एक और चीज़ है, अगर दो से ज़्यादा स्प्रिंग्स अगर हों तो जितने स्प्रिंग्स होंगे हम उतने लोगों को 1/ के रूप में ऐड करते चले जाएंगे। इस मुनासिबत से अगर बात करें तो बहुत सारे, यानी N स्प्रिंग्स को अगर जोड़ दिया जाए तो महासिल जो फोर्स कांस्टेंट का जो फार्मूला आएगा या स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फार्मूला आएगा वो ये रहेगा, 1/Ks इज़ इक्वल टू अलजेब्रिक सम, उन सब का अलजेब्रिक सम ले लेंगे 1/K। यहाँ पर K सफिक्स में i, तो i जो है वो एक वेरिएबल इंडेक्स के तौर पे ले रहे हैं हम लोग, जिसकी कीमत 1 से लेकर N तक है, और ये नंबर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये था स्प्रिंग्स का मुसलसल जोड़। अब हम देखते हैं कि अलग अलग स्प्रिंग्स को
मुतवाजी अंदाज में कैसे जोड़ा जा सकता है, तो उनका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप देखिए फिगर बी के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दो स्प्रिंग नज़र आ रहे हैं, एक तरफ के वन और एक के टू, और दोनों को कंबाइन करके एक ब्लॉक उनके साथ लटका हुआ है। और इसी फिगर की दूसरे पार्ट के अंदर एक तरफ एक सहारा है जिसके साथ एक स्प्रिंग के वन लगा है, दूसरे एंड पर दूसरा सहारा है उसके साथ में दूसरा स्प्रिंग के टू लगा हुआ है, और दोनों स्प्रिंग्स को के बीच में जो है एक ब्लॉक जो है एम, उसको जोड़ दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आपने एम को पकड़कर लेफ़्ट साइड में, मतलब सपोज़ कीजिए कि एक जानिब में अगर आप उसको खींचते हैं, तो दूसरा स्प्रिंग जो है वो लंबा होगा और एक स्प्रिंग बारीक होगा, फिर वो वापस खींचेगा तो ये आपस में अपोज़िट हो जाएंगे, और इस तरह से जो ब्लॉक है ये ऊपर नीचे, मतलब आजू बाजू ये वाइब्रेट करेगा। हमको ये देखना है कि इस तरह के निज़ाम में महासिल जो कुव्वत का मुस्तकिल है वो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें पहली कुव्वत की बात करते हैं। पहले स्प्रिंग के लिए पहली कुव्वत आ जाएगी एफ़ वन इज़ इक्वल टू के वन इन टू ई। यहाँ पर ई जो है वो एक्सटेंशन दोनों स्प्रिंग्स का एक जैसा आएगा। ओके, हाँ। इसी तरह से अगर दूसरे स्प्रिंग की बात करें तो दूसरी कुव्वत आ जाएगी एफ़ टू इज़ इक्वल टू के टू इन टू ई। अगर हम मजमूई कुव्वत की बात करें तो एफ़ इज़ इक्वल टू आ जाएगा एफ़ वन प्लस एफ़ टू, इसमें दोनों वैल्यूज़ ला के रख देते हैं तो एफ़ इज़ इक्वल टू आ जाएगा के वन इंटू ई प्लस के टू इंटू ई। दोनों में से आप ई कॉमन निकालें तो आपको इक्वेशन वन मिल जाएगी, एफ़ इज़ इक्वल टू ई इन ब्रैकेट के वन प्लस के टू। ओके, ये हमारी इक्वेशन वन आ गई। अब हम अगर मजमूई तौर पर पूरी पूरे मुतवाजी जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसके लिए अगर बात करें, तो कुव्वत इज़ इक्वल टू आ जाएगा कुव्वत यानी स्प्रिंग कांस्टेंट के पी इंटू ई। ये इक्वेशन टू है। अब आप दोनों का मवाजना करें, जब आप दोनों का मवाजना करोगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, के पी इंटू ई इज़ इक्वल टू ई इंटू के वन प्लस के टू, ज़ाहिर है ई से ई कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा के पी इज़ इक्वल टू के वन प्लस के टू। तो ये फार्मूला हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यानी मुतवाजी तरतीब के लिए मिला, अगर हम दो स्प्रिंग्स को एक दूसरे के साथ मुतवाजी जोड़ते हैं तब। मान लीजिए कि हमारे पास दो से ज़्यादा स्प्रिंग्स हैं, तो ऐसी सूरत में ये जो के वन प्लस के टू हुआ तो ये आगे चलकर के थ्री प्लस के फोर प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा। तो इस मुनासिबत से हम फार्मूला बना सकते हैं कि अगर हमारे पास एन स्प्रिंग्स हैं और वो मुतवाजी हालत में जुड़े गए हैं, तो उनका जो ओवरऑल जो फोर्स कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग का जो कांस्टेंट होगा मुतवाजी तरतीब के लिए, वो हो जाएगा के पी इज़ इक्वल टू अलजेब्रिक सम के सफिक्स आई। यहाँ पर आई की वैल्यू वन से लेकर एन तक होगी। ओके, तो मुझे यकीन है कि आपको आज के तमाम टॉपिक्स जो हैं ये समझ में आए होंगे, और अब आगे चलकर अगले अगला एक या दो लेक्चर्स बाद ही ये चैप्टर जब एंड हो जाएगा, तब मैं आपको इस चैप्टर के मुकम्मल नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी फ़िलहाल आप इस चैप्टर्स के नोट्स अपने अंदाज़ में बनाने की कोशिश कीजिए और इनकी स्टडी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।